जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में किसानों की खुदकुशियों पर विपक्ष ने की विशेष सत्र बुलाने की मांग। तो ऐसे सवाल के जवाब में सीपीएस विरसा सिंह वलटोहा ने मुख्यमंत्री से बात करने का भरोसा दिया है। पंजाब में किसान परेशान है, वित्तीय कर्जे से किसान की कमर टूट चुकी है। नतीजा शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब किसान की तरफ से खुदकुशी की खबर न आती हो। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल किसानों की आवाज सियासी गलियारियों तक पहुंचा रहा है। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के संपादक दिनेश शर्मा ने कार्यक्रम मुद्दे की बात में किसानों पर चर्चा के दौरान विशेष सत्र बुलाने का सवाल किया तो विपक्ष ने अपनी पूरी सहमति जाहिर की और पंजाब में सीपीएस विरसा सिंह वलटोहा ने कहा कि वो इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री के साथ बात करेंगे। विधानसभा का कोई भी सेशन 5-7 दिन से ज्यादा नहीं होता और उसके अंदर किसानों के मुद्दे को 3-4 घंटे मिलते हैं। हजारों किसानों की डेथ हुई है, इससे गंभीर मसला कोई और प्रदेश के लिए हो नहीं सकता। क्यों नहीं ये पार्टियां अब तक 15 दिन 20 दिन इस मसले को विधानसभा में बैठकर डिस्कस करते हैं। पर किसानों के मुद्दों को लेकर विपक्ष और सरकार कितने संजीदा है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर सियासी दल इस पर सियासत तो करना चाहता है पर बैठकर विचार करने और किसानों को कैसे बचाया जा सके इसके लिए ठोस कदम उठाने को तैयार नहीं। हुण तां सोते पए रहे ने, 10 साल तो हो गए ने, रोज तक किसान अपना खुदकुशी करते ने, यह सब इलेक्शन का ड्रामा है। देखो किसानों के मसले दो तरह उठने चाहिए ने, एक तो कि किसान जिहड़ा रौला पैंदा वी कुरजाई हो गया जां खुदकुशियां करदा वी क्यों, जिन्नियां चीज़ां किसान वेचदा उहदे भाव वी सेंटर गौरमेंट बनदी है, जिन्नियां चीज़ां किसान खरीददा उह वी सारे भाव सेंटर गौरमेंट बनदी है। ड्रामेबाजी कर रहे हैं जी, 9 साल का यही सैशन चला रहे ने, इन्हां ने किसान नूं बचाउण वास्ते कुछ कीता ही नहीं, ये तो हुण चीची नूं खून ला के शहीद होना चाहुंदे आ। पंजाब को बचाना है तो प्रदेश की किसानी को बचाना होगा और इस सब के लिए जरूरी है कि रोजाना मौत को गले लगा रहे किसानों की मौत पर सियासत बंद हो। प्रदेश सरकार और विपक्ष को इस मसले पर एक मंच पर आना होगा, किसानों की मुश्किलों को समझना होगा और उसका सही हल भी ढूंढना होगा। चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर के साथ, संगरूर से सुमित जोशी के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया दिल्ली।